जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, पूरक परीक्षा को लेकर बहुत बड़ा चार अपडेट आ चुका है, जो कि यह खबर अभी अभी आई है, तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो के माध्यम से बता देता हूं और आपका रिजल्ट कब आएगा ये बताऊंगा, और अपडेट क्या है और रिजल्ट कैसे निकालना है पूरी जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ। चार अपडेट यहाँ पर देख सकते हो, बदलाव कर दिया गया है और पूरक परीक्षा 2024 की मैं बात कर रहा हूँ और रिजल्ट डेट जारी है और पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं कक्षा 10वीं 12वीं एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ और रिजल्ट पर बड़ी बहुत बड़ी खबर आई है और रिजल्ट किस दिन आएगा ये भी बताने वाला हूँ और रिजल्ट कैसे निकालना है सब जानकारी इस वीडियो मिलेगा। सबसे पहले आपको रिजल्ट कब आएगा ये देख लेते हैं। तो एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2024 इस दिन जारी होगा। कक्षा 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट एमपी बोर्ड ने जारी किया आदेश। तो आदेश अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2024 एमपी बोर्ड बोर्ड की ओर से इस वर्ष सप्लीमेंट्री परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी दी गई है और अब सप्लीमेंट्री की परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार खत्म होता दिख रहा है, जो कि आपका एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट डेट भी जारी हो गया, तो बहुत सारा डाउट तो आप यहीं पर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बोर्ड के द्वारा रिजल्ट को लेकर नवीनतम जानकारी दी गई है और रिजल्ट जल्द जारी किया जाने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ, जो कि अहम जानकारी है। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा संपन्न हुई है, जहाँ कक्षा 12वीं की समस्त विषयों की परीक्षा 8 जून को, वही कक्षा 10वीं के छात्रों की परीक्षा 10 से 20 जून तक की गई थी। ये आपको भी पता होगा सप्लीमेंट्री एग्जाम कब से कब तक चला था और सभी छात्र रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे थे। आपको पता होगा कि आप भी अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, कब आएगा कब आएगा। इस वर्ष कक्षा 10वीं में 1,377 छात्र और छात्राएं, वही कक्षा 12वीं में 88,365 छात्रों ने सप्लीमेंट्री परीक्षा दी गई है। ये आपको आंकड़ा भी मिल गया इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपको यहाँ पर इनका रिजल्ट जारी होने वाला है। एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 का रिजल्ट कब आएगा, अब इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा संपन्न होने के बाद प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों का एक ही प्रश्न है, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब आएगा। आपको बता दें इस की मुख्य मतलब कि वो वार्षिक परीक्षा थी, तो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आपको देख सकते हैं 49 दिनों में जारी किया गया था, ठीक है, जो कि ये आपको नॉर्मली 45 दिन का दिन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 49 दिन ले लिया गया है, जो कि आपको इसमें 4 दिन डेली कर दिया गया है, मतलब आपको ज़्यादा ले लिया गया है। तो 45 दिन नॉर्मल होता है, तो 45 दिन के अंदर फाइनल एग्जाम का, लेकिन आपको तो सप्लीमेंट्री एग्जाम है, इसमें स्टूडेंट भी कम है, तो यहाँ पर मैं इसका भी जानकारी दे देता हूँ। दोनों में जारी किया गया था, जबकि मुख्य परीक्षा में अधिक विद्यार्थी शामिल होते हैं और सप्लीमेंट्री परीक्षा में इस बार लगभग 2 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं। 10वीं 12वीं करके 2 ही लाख तो हुए, क्योंकि एक में 88,000, एक में 1 लाख कुछ थे, तो 2 लाख विद्यार्थी थे। और एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जुलाई माह 10 से 15 जुलाई तक जारी कर सकता है, जो कि आपको ये रहा नोटिस आज का आदेश। और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि तो रिजल्ट को तैयार होने में लगभग 20 से 25, आपको देख सकते हैं 20 से 25 दिन का समय लग सकता है। ऐसे छात्रों अपना रिजल्ट 10 से 15 जुलाई तक अधिकारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जो कि ये आज का आदेश है, जो कि अब 20 या 25 दिन इसके अंदर आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा। एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मैं बात किया था, अब आपको रिजल्ट कैसे निकालना है ये बता देता हूँ, इसके बाद मैं अपडेट बताता हूँ। तो विद्यार्थियों, अपना रिजल्ट निकालने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर या गूगल ओपन कर लेना है, जिस तरीके से मैं ओपन किया हूँ, और यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में क्लिक क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको MPBSC सर्च कर लेना है, जैसे कि एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट निकालना है, तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ, जो कि मैं सर्च कर लिया हूँ। इसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा, लेकिन अपना आपको कंप्यूटर की तरफ ऑन करना होगा, जो कि आपको इस 3 बिंदी पे कोना पर देखोगे 3 बिंदी दिखाई देगा, इस पर क्लिक करोगे नया विंडो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइज दिखाई देगा, इस पर मेरा टिक है, लेकिन आपको अनटिक मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आपको इस तरीके से होगा, लेकिन मैं दोबारा जाके टिक करता हूँ, तो ये आपको दिखाने के लिए किया हूँ, तो इस तरीके से होगा, लेकिन इस पर आपको टिक होना जरूरी है, ताकि आपका फोन कंप्यूटर की तरह हो सके, आपको पूरी जानकारी समझ आ सके। तो आपका मैं आपको कंप्यूटर की तरह कर दिया, इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद आपको पहले नंबर आपको यहाँ पर देखोगे एमपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर क्लिक करना होगा पहले नंबर वेबसाइट पर, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से आपको पेज ओपन होकर आ जाएगा, देख सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से आपको आएगा, जैसे ही थोड़ा नीचे जाना होगा,
नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर जाओगे तीन कॉलम दिखाई देगा। जैसे कि आपको तीन कॉलम में बीच वाला पे क्लिक करना होगा, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ जो कि आपको इसी पे क्लिक करना होगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद नेट अच्छा रहेगा, जल्दी खुल जाएगा, नेट स्लो रहेगा थोड़ा लेट हो जा सकता है, तो मेरा जल्दी खुल गया। लेकिन थोड़ा नीचे जाना होगा, नीचे देखोगे तो यहाँ पर मेन एग्ज़ाम जो आपको वार्षिक एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट तो जारी हो चुका है, आप भी देख सकते हैं। और आप यहाँ पर जारी होने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कक्षा 10वीं 12वीं रहा, लेकिन आपको 2024 का चाहिए, यहाँ पे आपको 15 से 20 तारीख को एक लिंक आएगी और इस पे आपको लिंक पर क्लिक करके, जैसे कि मैंने आपको 2023 का दिखा देता हूँ आपको, तो मैं आपको यहाँ पर क्लिक किया, ये आपको कक्षा 12 का है, तो इस पे आपको क्लिक करना, इस तरीके से आपका पेज ओपन होकर आ जाएगा। अपना रोल नंबर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल के सबमिट करना है, आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाइए।